यहाँ ये हमने लिए है 4 कप मैदा, आप जितना बनाना चाहें उतना ले सकते हैं। और यहाँ हम लेंगे इसमें आधा चम्मच नमक। यहाँ ये हमने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी, तो हम इसका एक टाइट डो लगाएंगे जैसे हम पूरी का लगाते हैं, उससे और थोड़ा सा टाइट। तो ये हमारा डो लग चुका है, ये देखिए। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये डो हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें से लोई तोड़ेंगे, जैसे आप पूरी की लेते हो उतनी ही बड़ी आप लेना, इस तरह से रोल करके ये सभी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये हमने तैयार कर ली है, और ये हम एक लोई ले लेंगे और थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लेंगे, और इसको हम बेल लेंगे। हमें बिल्कुल पतला बेलना है इसे। ये हमने एक बेल कर तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं कितना पतला बेला है हमने इसे, और हम इस तरीके से अभी 4 बेलेंगे। ये कर ली है और हम 3 और करेंगे, और ऐसे रखते जाएंगे। तो यहाँ ये अभी मैंने 4 बेलकर तैयार की हैं। तो जैसे ये एक हम ले लेंगे, और यहाँ हमने लिया है रिफाइंड ऑयल और ये मैदा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर हम ये रिफाइंड की एक लेयर लगा देंगे। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा ना लगाएं, बस अच्छे से इस पर इस तरीके से कर दें। और यहाँ पर ये इस तरह से सूखा मैदा सभी तरफ अच्छे से, ये आपको खाने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। ये आप अच्छे से लगाएं, तभी आपकी लेयर अलग अलग होगी। और दूसरा इस पर हम रख देंगे इस तरीके से, सेम प्रोसेस करेंगे। और ये तीसरी लेयर सेम प्रोसेस से। और ये लास्ट चौथी लेयर हल्का सा प्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे, एक साइड से ऐसे उठाएंगे, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से ही प्रेस करना, ज़्यादा नहीं करना, और इसे इस तरीके से रोल कर देंगे। इस तरीके से हल्का सा प्रेस करना। तो ये हमारा तैयार है। अब क्या करेंगे, हम इसको चाकू से इस तरह से काट लेंगे। हो जाए तो ऐसा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना बड़ा भी आपको रखना है, ये आप खुद देखेंगे कितनी सारी लेयर्स है इसमें। और इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। और ऐसे एक कोई भी उठाएंगे और ऐसे हाथों पे लेंगे, और हल्का सा प्रेस करेंगे बस, और ऐसे हम रखते जाएंगे। तो सभी ऐसे ही तैयार कर लेंगे, हल्का सा प्रेस करना, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। यहाँ ये हमने सभी तैयार कर लिए हैं, और अब हम इस तरह से एक लेंगे, और बहुत ही हल्के हाथों से इसको करना है, प्रेशर नहीं लेना है, वरना इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। और इस तरीके से सभी तैयार कर लेंगे। यह हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है, ऑयल को ज़्यादा तेज़ हमें गर्म नहीं करना है, मीडियम रखना है, और मीडियम पर ही हम इनको अच्छा क्रिस्पी गोल्डन सेक लेंगे। हम इनको इसी तरह से पलट पलट कर, जैसे हम मछली सेकते हैं ना, वैसे ही सेकेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लेयर है इसमें। तो यहाँ ये हमारे सिक चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी बनी है। सभी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ ये भी हमारे सिककर तैयार है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं, और अच्छा क्रिस्पी सिके हैं ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारे सभी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है।
और बहुत ही क्रिस्पी। ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाए तो आप इसे 8-8 कंटेनर भरकर 3 से 4 महीने भी आराम से यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।